नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर दो गुटों के बीच भयंकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और पत्थरबाजी चलती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? सुदेश नाथ जी मेरा नाम जी। पूरी कहानी क्या बताएं? बात ऐसे है सर, बच्चों की लड़ाई हुई है, उन्होंने समझाया हमको। मैं कहा कोई बात नहीं, बैठ के मसला कर लेते हैं। फिर उन्होंने क्या करा, कापे कृपाने तलवारें लेके आ गए और घर पे लेके आके मारने शुरू कर दिए, लड़कों को मारने शुरू कर दिए। तो गलत गलत नजायज बातों गाड़ी निकालने लगे। कोई जान बचाने के लिए तो कुछ कर जी, वहाँ पे बच्चों की लड़ाई हुई ना, उसके बाद घर पे लड़ाई हुई है बच्चों की, इस गली में हुई। वहाँ से ना उनको बच्चों को छिटा दिया हमने, छिटा के अपने अपने घर पे जाए। बाद में आदमी इकट्ठे करके घर पे आके हमला कर दिया। हमला करके जहाँ पे तोड़ फोड़, जो देखो जी बट्टे कितने पड़े, तोड़ फोड़ गाड़ियों भी तोड़ने फोड़ने लग गए। मजमियों के लड़के और अपने भइयों के लड़के है ये सारे सारे अंदर बाल्मीकों के भी सारे। समझाने की कोशिश नहीं की आपने? हमने समझाने की कोशिश करी, मेरे को बच्चों की लड़ाई है, इतने इतने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो दो लड़े हैं, उनको हमने छिटा भी दिया। फिर वो आप फोन कर जहाँ पे बुला के घर में चलूंगा, घर में कूटूंगा पीटूंगा, सारा कुछ घर में करके आऊंगा, ऐसे आया जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप यही थे? हाँ, यहाँ पे तो सर बच्चों की लड़ाई हुई है। गुल्फी वाला वहाँ पे खड़े, इतना बच्चा है उसके साथ बोलिया सर, और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमने बच्चे को मार के घर पे लिया है। वही फोन करके गुंडों को बदमाशों की गैंग बनाई है, और गैंग को बुला के सर इधर को भी आ गए और इधर से भी आ गए, हमारे सारे घरों को ये गाड़ियाँ भी फोड़ दिया। सारी गाड़ियाँ देखो सर, अभी गाड़ी बनवाई हमने, कड़वाई है, सारी गाड़ियाँ फोड़ दी सर। हमारे पर पत्थरों से हमला किया है? हाँ, पत्थरों से सर, ऊपर देखो जाके गली में देखो सर, हमारे तो हम तो यहाँ छोटे बच्चे है, हमारे भी गए हैं, मेरी मासी गिर गई। ऐसे किसी और के भी चोट फिट लग सकती है, तो इनकी कार्रवाई कैसे हमला किया गया? हमले का तो हमें नहीं पता कैसे किया गया, पर हम इतना कहते हैं सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हमारे भी है, तो ये कार्रवाई की जाए भाई इन पे। क्यों करते हैं ये? रोज का ही है तो काम, दूसरे तीसरे दिन डेली करते हैं, आज इनके साथ दूसरा कहीं और कहीं पे ऐसे हमले कराते हैं सर, ऐसे हमले कराते हैं जहाँ पे कहीं से भी नजदीक हो जाती है ना लड़ाई लड़ाई, तो फोन करके गैंग को बुला लेते हैं, फिर हमला करते हैं। और दारू की बोतलें पी के फिर घरों में फेंकते हैं, ठीक है, कंचकी है, फिर नशा चिट्टा पी के घरों में बढ़ जाते हैं जो सामान मिलते। साथियों, किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, यहाँ पर सिरसा के जज्जे कॉलोनी में, यहाँ पर ईंट दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नई गाड़ी को किस तरीके से तोड़ा गया। हाँ जी, नमस्कार जी, पूरी कहानी क्या है, क्या सूचना मिली थी आपको? हमारे को डायल 112 पर सूचना मिली कि जज्जे कॉलोनी में झगड़ा हो रहा है जी, तो हमें मौके पर आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं, तो जायज कार्रवाई करें। दो पक्षों के बीच में झगड़ा है? बिल्कुल जी, दो पक्षों के बीच में झगड़ा है, ईंटें भी चली हैं। किस बात को लेकर हुआ है, कोई पता, कोई खुलासा हुआ है? जी, इस बारे में नहीं कह सकते हम फिलहाल, हम जानकारी लेके फिर ही बताएंगे। ये देख सकते हैं साथियों, किस तरीके से दो पक्षों के बीच यहाँ पर भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, और किस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि नई गाड़ी है उसका शीशा तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं नई गाड़ी किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है, और बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है। हाँ जी, कैसे, क्या क्या मामला है? घर पे आके लड़ाई करी है, हमारे बच्चों को घर पे आके मारे है इन्होंने। किसने मारा है? ओ देखो ना भैया, अच्छा एक तो भैया है और जी और जिम्मेदार है, मजबी है के कौन है, 15-20 बंदे है सर, वो सारे हमारे गुंडागर्दी लेके आए हैं, फोन करके वो आके मार पीट कर। एक का नाम तो जी गोविंदा है, एक का नाम ज्ञानी, एक का नाम मामू है जी, और उसके साथ उनके साथ है गैंग है जी, कुछ बाहर के लड़के, कुछ यहाँ के ही है जी, क्योंकि हम तो तीन लड़कों को जानते हैं जी, क्योंकि हम तो कारोबार वाले, हम तो भांगने खाने चले जाते हैं जी। यहाँ तो बच्चों की लड़ाई, हमें तो ये भी नहीं पता किनके साथ लड़ाई है इनकी, आप साथ में वारदात बच्चों की किस बात पर लड़ाई है ये हमें पता ही नहीं जी। हमें तो जब भी पता लगा भी हमारे घरों में ईंटे बट्टे चलने लगे, जब हमें तो पता लगा लोग आकर ईंटे, कम से कम 20-25 आदमी है जी, कुछ यहाँ से चला रहे, कुछ उधर से चला रहे, हमें ये नहीं पता हमारी गाड़ियाँ फोड़ के घर में बढ़ गई। हाँ जी, वो भी ले रहे थे तो उसने ना गाड़ी बहन की काट दी, तो बहन की इसने एक बारी काट दिया, तो कह दिया भाई चलिया जा, जाके फिर आके फिर काट दी गाड़ी, निकाल दी भैया ने जगदम्बे का लड़का है उसने काटी है, उसको बहुत हमने रोका बेटा, आप एक जगह बस रहे, एक जगह बस रहे, तो अपने लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं, आप गलती जिसकी बच्चे की हुई तो बच्चे को समझाएंगे।
आखिरी उसने मान्या ही नहीं, फोन कर करके सारे फोन करके सारा आईडी आईडी तलवार काट लाए सर, फोन करके बच्चे बुढ़िया के मानाली ऊपर मानिया, मैं मानाली नहीं है, मेरे मान्या के घर मामू के हाथ में टोका है, उसका टोका मैं पकड़ा, मैं कहा बेटा मैं तेरी दादी वर्गी हूँ, तू जान ना लड़े मैं किसको मारेगा, अब अपने में मर गए। देख सकते हैं साथियों यहाँ पर भयंकर लड़ाई झगड़ा और इसके साथ साथ सिरसा के जजे कॉलोनी में दो पक्षों के बीच में छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया साथियों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, ये देख सकते हैं इस गाड़ी का शीशा है वो तोड़ दिया गया है और ऊपर से भी यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर मारे गए हैं। और इसके साथ साथ सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर बरसाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग पूरी गली है वो इकट्ठा हो चुकी है। और सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।